अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन तंदूरी, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ जो कि हड्डी वाला है, बोन वाला है। अब मैंने पूरा बोनलेस चिकन नहीं ली हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या मसाला ली हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आधी कटोरी दही ली हूँ, उसी में मैंने बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दी हूँ। और ये मैंने 2 चम्मच आधा लहसुन का खाली पेस्ट ली हूँ, उसमें बाकी मिर्ची उर्ची कुछ भी मिक्स नहीं करी हूँ मैंने। और ये मैंने चाट मसाला ली हूँ 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी 1 चम्मच, और ये लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर जो कि थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट में ज़्यादा गले में वो हो जाता है। और ये गरम मसाला पिसा हुआ घर का है, ये 1/2 चम्मच, और एक अंडा इसको मैरिनेट करने के लिए। और मैं एक स्पेशल मसाला यूज़ करने जा रही हूँ जो कि चिकन तंदूरी मसाला है। आप भी अपने घर में एक बार लाइए और ट्राई करके देखिए, इससे बहुत अच्छा चिकन तंदूरी फ्राई बनता है। इसमें आपको कुछ नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। अगर आप ये मसाले भी नहीं डालोगे, ये भी सिर्फ डालोगे दही के साथ, आपका चिकन तंदूरी बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसको मैरिनेट करने का तरीका आपको मैं बता देती हूँ। देखिए गाइस, अब मैं इसमें दही और कोथमीर का ये मिक्सचर डाल रही हूँ उसके अंदर, और इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, और ये हमारा तंदूरी स्पेशल मसाला, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है। इसको मैं पूरा नहीं डालूंगी, ये 1 kg का होता है, ये मैं 1/2 kg बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ उसको। ये 1 kg का पैकेट होता है, और ये अंडा डाल के ये जितने भी हमारे मसाले हैं ड्राई मसाले, ये सब मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा कलर के लिए थोड़ा कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं, मुझे रेड कलर पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर दी हूँ। अब मैं ये सब मैरिनेट करके आपको बताती हूँ। और हाँ, आप चाहे तो इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तेल यूज़ नहीं कर रही इसके अंदर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें अंडा डाली हूँ तो ये खुद ही बाइंड हो जाता है इसमें। मैं इसको अच्छे से पूरा मिला के मैं आपको बताती हूँ कि हमारा चिकन तंदूरी किस तरह से मिक्स हुआ है। ठीक फ्रेंड, हमारा ये मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। देखिए, पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसको फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से और इसमें चिकन में लग जाए। आप कभी भी चिकन तंदूरी या चिकन फ्राई बनाना चाहते हो तो कभी भी 1 दिन पहले आप मैरिनेट करके आप फ्रीज में रख देंगे, तो जो आपका जो चिकन फ्राई बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें अंदर तक पूरा जो मसाला है हमारा चला जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको फटाफट बनाना है, तो आप कभी भी मसाला मिला के फटाक से फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से क्या, मसाले सूख जाएंगे आपके, और जो प्लस है ये आपका जो मैरिनेटेड जो मसाला है ये भी सूख जाएगा, और जिसको आपको फ्राई करने में बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो अभी डायरेक्टली बना के आप फ्राई करोगे तो आपका पूरा मसाला निकल जाएगा। इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। और उसके बाद मैं छोटा सा टच दूँगी इसके अंदर, वो भी आप देखिएगा कि मेरा छोटा सा टच किया है, जो कि बाहर जिस तरह से स्ट्रीट फूड में मिलता है, आपको भी पता है तंदूरी कैसा रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, हमारे चिकन मैरिनेट होके अच्छे तरीके से पूरे, देखो किस तरह से हो गए, अच्छे सूख गए हैं, ज़रा सा भी इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं है। अब मैं इसके अंदर छोटा सा एक इंडियन टच दे रही हूँ, जो कि आपको भी अच्छा लगेगा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा चारकोल यानी कोयले का थोड़ा धुआं करूँगी, ताकि इसके अंदर थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। मैंने ऑलरेडी कोयला गर्म कर चुकी थी, अब यही मैं कोयला अब इसके अंदर थोड़ा सा डाल के उसको ढक देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा कोयले का टेस्ट है, ताकि हमारे जो कोयले का जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छे से आ जाए। फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन ये मैं 2 तरीके से करूँगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी कि मैंने किस तरह से के यानी किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। देखिए, उसको हम ढक देंगे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम आपको फ्राई करने का मेथड बताएंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा कोयले का धुआं भी अच्छी तरीके से निकल गया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ किस तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा टिप देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत इजी है। हमने पहले ही कढ़ाई में तेल डाल दिए थे, तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा दूर से लेके डालिएगा, उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें एग डाली थी, तो ये ऑलरेडी एक से अच्छा हो जाएगा, क्रिस्पी भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा, मसाले भी हमारे लगे रहेंगे। ये मैं एक ही बार में 3-3 डालूंगी, ताकि हमारे ये चिकन फ्राई आराम से जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए।
इसी तरीके से मैं जितने भी है ये हमारे चिकन उसी तरह से मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद एक लास्ट टच आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको प्रेजेंट करूँगी प्लेट में। ये फ्रेंड्स हमारे चिकन फ्राई बनके रेडी हो गए। अब मैं इसको दो तरीके से करने वाली, आप इजीली कर सकते हो। मैंने एक ही चिकन फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, एक ही तरीके से, लेकिन अब मैं इसको दो तरीके से बना रही हूँ। अब वो मैं किस तरह से बना रही हूँ वो देखिए आप। मैं इसके अंदर एक तरीके का जो चिकन फ्राई था उसको मैंने एक साइड में निकाल दी। अब मैं इसके अंदर मेयोनीज डालूंगी। ये मैंने मेयोनीज डाल दी। मेयोनीज डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। इसको करने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा मिला देंगे। ये गरम गरम रहे तो ही आप करिएगा, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा सही से मिलेगा भी नहीं। अब मैं इसकी आपको लास्ट एक टच करके बता रही हूँ कि किस तरह से मुझे और किस तरह उसमें ऐड करना है क्या। मैंने कोयला गर्म कर दी हूँ ताकि ये हमारा जो मेयोनीज का जो टेस्ट है ना थोड़ा और अच्छा हो जाए कोयले से। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया हमारा ये मेयोनीज का, देखिए अच्छे से पूरी तरह से मिल गया है। अब मैं इसके अंदर कोयला ऐड करूँगी ताकि कोयले का थोड़ा सा स्मोकीनेस इसके अंदर मेयोनीज में भी आ जाए। ये हमने कोयला गर्म कर दिए थे, अब हम इसको बंद करके इसको यहाँ रखेंगे। और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल देंगे। इसको हम थोड़ी सी 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद मैं आपको उसकी लास्ट प्लेटिंग करके बताती हूँ कि हमने किस तरह से बनाया। हेलो गाइस, देखिए हमारा चिकन फ्राई रेडी हो गया है। मैंने एक ही चिकन फ्राई को दो तरीके से दो स्टेप में बता दी, ठीक है। ये देखो हमारा चिकन फ्राई है, ये हमारा चिकन मेयोनीज है जिसको मैंने चारकोल का थोड़ा सा धुआं देके मैंने थोड़ा और स्मोकीनेस बढ़ा दी। और जो बाकी है प्याज और नींबू और चटनी, आप भी अपने घर पर बनाइए, सेम इसी मेथड से बनाइए। और प्लीज़ बनाकर मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।